तो गाइस अगर आप भी अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इन वेबसाइट्स का यूज करते हैं जैसे कि remove.bg या फिर remove.ai, यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आपको ये कुछ फ्री क्रेडिट्स देते हैं अपने फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप इन क्रेडिट्स को यूज कर लेते हो उसके बाद आपको क्रेडिट्स बाय करने पड़ते हैं। तो ऐसा कौन करता है यार, कौन बाय करना चाहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहां से आप जितने भी फोटोज के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो इजिली और काफी अच्छे तरीके से ये बैकग्राउंड को रिमूव करता है। तो गाइस आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस टाइप की वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो प्रोसेस है ना आप अपने फोन में और लैपटॉप या पीसी में दोनों में कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप फोन में करना चाहते हो तो फोन में कर लो, अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हो या पीसी में करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। तो मैं कर लेता हूं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन। ओपन करने के बाद यहां पर मैं चले जाता हूं एक वेबसाइट पर जिसका नाम है SLAZZES लेजर बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, तो आपने इस वाली वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, और आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां से भी आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूं, काफी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या ना राइट टॉप पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप अपने ईमेल को डाल के एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो अब आपने क्या करना है, एक न्यू विंडो को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपने एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है temp.mail.org। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। तो गाइस ये वेबसाइट है क्या, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। गाइस ये वेबसाइट आपको टेम्परेरी ईमेल्स प्रोवाइड करता है, तो इन ईमेल्स को जहां पर भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। और इसकी खास बात ये कि भाई यहाँ पर आपको एक इनबॉक्स का सेक्शन भी मिलता है कि जहां पर आप इन ईमेल्स को यूज करते हो तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपको एक OTP भी रिसीव हो जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो। तो काफी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जितने ईमेल यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉपी का बटन मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई इस ईमेल को हम remove.bg या फिर remove.ai में भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं गाइस, वहां पर मैंने ट्राई किया था, वहां पर यूज नहीं हो पाता, लेकिन फ्लेजर वाली वेबसाइट पर यूज हो पा रहा है। और वहां से आप जितने भी फोटोज के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो गाइस ये है मेरा मेथड, यहां से आपको पर्सनल अकाउंट को यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली क्या करना, कॉपी पर क्लिक करना है। यहां पर कॉपी पर क्लिक करते ही आपने वेबसाइट पर जाना है वापस, और यहां पर आपने ईमेल को डाल देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया। उसके बाद यहां पर आपने कोई सा भी पासवर्ड रख लेना है जो कि 8 करेक्टर्स को होना चाहिए, 8 करेक्टर्स का। तो मैं सिंपली 1 से लेकर 8 तक कर लेता हूं, और नीचे भी मैं वैसे ही डाल देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। और आपने फर्स्ट वाले एग्रीमेंट को यहां पर टिक कर देना है और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करता ही आपने साइन अप पर क्लिक करना है, आपने सेव पर क्लिक करना है। लेकिन अभी आपको इनकी तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस वेबसाइट पर फिर से जाना है जहां पर आपका ईमेल अकाउंट, जहां से आपने कॉपी किया था temp.mail वाले वेबसाइट पर, और नीचे आपको इनबॉक्स मिलेगा जहां पर इनकी तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा। ठीक है आपको, तो आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, मैं फिर से नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हो, चाहे ऊपर वाले में करो नीचे वाले में करो, दोनों में कर सकते हो। तो मैं नीचे वाले में कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और सिंपली आपने यहाँ पर लिखा भी ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपने जो सेव किया था, याद रखना जब भी आप वहां पर ईमेल को यूज कर रहे हो तो आपने सेव जरूर करना, क्योंकि ईमेल कौन याद रखता है यार। ठीक है, तो ईमेल ये मेरा आ गया, पासवर्ड मेरा ये आ गया, आपने सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपको सिर्फ 2 क्रेडिट्स देता है, 2 क्रेडिट्स देगा। अगर आपका क्रेडिट यूज हो जाता है दोनों के दोनों, तो आप फिर से क्या कर सकते हो, इसको लॉग आउट कर सकते हो, फिर से आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, डिलीट में क्लिक करोगे तो आपका ये रिफ्रेश हो जाएगा, आपको एक अलग से ईमेल प्रोवाइड कर देगा। उस ईमेल को फिर से आप कॉपी करके यहाँ पर अकाउंट बना के आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपलोड एन इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपने अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड इमेज वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, मैं कर लेता हूँ। तो इस फोटो को मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने वाला हूँ परमानेंट। तो कैसे करना है, थोड़ी देर में अपने ऑटोमेटिक ये रिमूव कर देगा। तो ये अभी हमें प्रीव्यू ही दिखा रहा है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है और काफी अच्छे तरीके से इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आपने इसमें क्लिक करना है। पर उससे पहले आपको मैं एडिट इमेज में जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रिमूव किया। ठीक है, तो मैं एडिट HD इमेज को प्रीव्यू करना चाहता हूँ, मैंने इसमें क्लिक किया।
तो जैसे ही मैं सिलेक्ट कलर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कलर को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने ये वाला कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से इसने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है, तो काफी डिटेल में कर देता है ये। तो आपने अगर इसको डाउनलोड करना है तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, बट उससे पहले आपने ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा मेरा ट्रांसपेरेंट, मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया जिससे ये आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये ओपन भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से इसने इसको किया हुआ है बैकग्राउंड रिमूव, और अगर मैं इसको जूम करूं तो इसके पिक्सल भी नहीं फट रहेगा इस देखो। और आप इसके हेयर को देख सकते हो अच्छे तरीके से इसने इसकी शार्पनिंग की हुई, अच्छे तरीके से इसने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप भी जितने भी चाहो अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं परमानेंट, ठीक है। तो भाइयों ये था मेथड, इस तरीके से आप जितने भी फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस वेबसाइट से। और भाई जो दूसरी वेबसाइट है वो तो काफी काम की वेबसाइट है, वहां से आपको टेम्परेरी अकाउंट्स मिल जाते हैं, उन्हें आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो आगे भी इस टाइप की वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय।